गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री. सो द चैप्टर इज क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज एंड कॉलोनियलिज्म. इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. So before the advent of British in the 18th century, the Indian villages functioned as a self-sufficient units. Britishers के पहले जो Indian villages थे वो self-sufficient as a self-sufficient units function करते थे. Apart from the farmers and the peasants, there were other artisans like weavers, carpenters, potters and the goldsmiths who together made the village a sufficient economy. So फार्मर्स और पीजेंट्स के अलावा भी बहुत सारे आर्टिशियंस थे. लाइक वी हैव देयर वर वीवर्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स एंड द गोल्डस्मिथ. ये सारे आर्टिशियंस थे जो मिलकर विलेज की एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाते थे. दीज आर्टिशियंस प्रोड्यूस्ड वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ, इम्प्लीमेंट्स, फर्नीचर, ज्वेलरी एंड वेसल्स that fulfill the daily needs of the villagers. So ये जितने भी artisans थे ये सारी daily needs की जो भी चीजें थी वो बनाते थे. A unique feature of the village economy was the union of agriculture and handicraft industry. जो हमारी village की economy थी उनका क्या unique feature था कि they have the union of the agriculture or handmade handicraft industry. Handicraft industries और agriculture का एक union था. This means that the family of the peasants undertook weaving and spinning as a part-time activity. Thus, the requirement of the cloth for the family was fulfilled. So, it means क्या होता था जो peasants की family होती थी वो weaving और spinning को अपनी part-time activity बनाते थे और उससे जो भी उनकी family की cloth की requirement होती थी उसको fulfill करते थे. Whereas the other artisan got their share of crops in return. और द सर्विसेज दे प्रोवाइडेड टू द विलेजेस. और जो दूसरे आर्टिशंस होते थे उनको अपना शेयर ऑफ क्रॉप्स मिलता था जो भी सर्विसेज वो विलेजर्स को प्रोवाइड करते थे. सो दे वर प्रेज्ड एंड पैट्रोनाइज्ड फॉर देयर वर्क बाय द लोकल रूलर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स. और उनको बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता था उनके काम के लिए जो भी लोकल रूलर्स होते थे और लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके थ्रू. दस द विलेज प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ अ सेल्फ गवर्निंग यूनिट which had little contact with the outside world. तो village को ना village एक तरह से हमारा self governing unit की तरह present हुआ जिसमें they don't have any contact with the outside world or they might have a very little contact with the outside world. उनकी अपनी एक अपनी अपना ही सब कुछ चलता था, अपनी एक दुनिया थी. they don't need anyone else or they are not in, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं था बाकी दुनिया में क्या चल रहा है. बिकॉज दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर थिंग्स एंड देयर एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथ. द अर्बन इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड वॉज हाईली डेवलप्ड एंड अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड मार्केट्स. तो अगर हम अर्बन इकोनॉमी की बात करें सो अर्बन इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही ज्यादा डेवलप थी. मोर ओवर दैट वॉज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड मार्केट्स और उन्होंने वर्ल्ड वाइड मार्केट्स को अट्रैक्ट कर रखा था. इंडियन क्लॉथ पर्टिकुलरली सिल्क एंड कॉटन एंड इंडियन क्राफ्ट्स आर नोन फॉर देयर एक्सीलेंट क्वालिटी एंड क्राफ्टमैनशिप. इंडिया का जो क्लॉथ है लाइक स्पेशली द सिल्क एंड द कॉटन ऑफ इंडिया एंड द क्राफ्ट्स दीज वर नोन फॉर द एक्सीलेंट क्वालिटी एंड देयर क्राफ्टमैनशिप. द मेन सेंटर्स ऑफ द कॉटन क्लॉथ वर डक्का, अहमदाबाद एंड मसौलीपट्टनम. और जो कॉटन क्लॉथ्स के मेन सेंटर्स थे वो थे हमारे डक्का, अहमदाबाद एंड मसौलीपट्टनम. वेयर एज सिल्क फैब्रिक्स जो थे दैट वाज इन लाहौर, आगरा एंड मुर्शिदाबाद. कश्मीर, लाहौर एंड आगरा वर फेमस फॉर देयर वूलन शॉल्स एंड कारपेट्स. बिसाइड्स क्लॉथ और क्लॉथ के अलावा जो इंडिया था इट वॉज फेमस और वी कैन से द प्रोडक्ट्स दैट वर इन हाई डिमांड ऑफ इंडिया अब्रॉड वर द गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, मेटल वर्क, आइवरी आइटम्स, शील्ड्स, आर्म्स, शिप्स एक्सेट्रा. द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड पेव्ड अवे द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम.
In the North India, Jagat Seth and the Nagar Seth, and in the South India, Chettis encouraged trade and commerce with a highly developed banking system. Internal or external trade say there was a development in the banking system. North India mein we have the Jagat Seth and the Nagar Seth, and in the South India we have the Chettis that encouraged the trade and commerce with the highly developed banking system. So things gradually changed with the emergence of the British on the Indian soil in the 18th century. But जो सारी चीजें थी वो change हो गई Britishers के India में आने से in the 18th century. The advent of British and decline of the Indian handicrafts. So our system acts very much like a sponge. जो हमारा system है वो sponge की तरह act करता है, drawing up all the good things from the bank of the Gangas and squeezing them down on the banks of Thames. John Sullivan, President, Board of Revenue, Madras. So, जो बोर्ड रेवेन्यू के प्रेसिडेंट थे जॉन सुलिवन, उन्होंने बोला मतलब व्हाट डज दिस मींस कि हमारा सिस्टम जो स्पंज की तरह एक्ट करता है, मींस गंगा से सारी चीजें अच्छी उठाकर उसको थेम्स पे जाके निचोड़ देना. द स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू व्हेन व्यूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया. इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और अगर ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई विद द स्टेटमेंट वी हैव रेड, this was very true when we look on the context of the British economic policies in India. Agar hum British ki economic policies ko dekhe India mein, so Indian handicrafts and the textile were very popular and in high demand in Europe. So India ka handicraft aur textile tha bahut zyada popular tha aur bahut zyada demand mein tha Europe ke and in the British markets also. The officials of the East India Company bought these products at very cheap rates and sold them back in the European and the British countries at much higher rates. जो East India Company थी उन्होंने ये products बहुत cheap rate पे खरीदे और फिर उसको वापस बेचा European और British countries में बहुत ज़्यादा prices पे. इससे क्या हुआ, East India Company को बहुत ज़्यादा profits हुए. Due to their high quality and excellent craftsmanship, Indian handicrafts, particularly textiles, became even more popular abroad and their demand kept on increase. और इंडिया की अच्छी क्वालिटी और एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप की वजह से जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था स्पेशली द टेक्सटाइल ये ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसकी वजह से उनकी डिमांड और इंक्रीज होती गई. सो इंडियन टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन कंट्रीज, द मेन वेराइटीज ऑफ द इंडियन क्लॉथ पॉपुलर इन द यूरोपियन मार्केट्स and in the countries of the Southeast Asia, West and Central Asia were as under. Southeast in Asia, West and Central Asia may we have muslin. So the cloth derived its name from the place Mosul in Iraq, where the Arab merchants sold fine quality Indian cotton cloth. Muslin word kahan se nikla? क्लोथ नेम वॉज डिराइव फ्रॉम द प्लेस मोसुल. मोसुल नाम की एक जगह थी इराक में जहाँ पे अरब मर्चेंट्स फाइन क्वालिटी इंडियन कॉटन क्लोथ को सोल्ड करते थे, वहां पे उसकी वजह से उसका नाम मुस्लिन पड़ गया. चिन्स, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल विथ मल्टी कलर्स. प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल होता था जिसमें मल्टी कलर्स होते थे. दिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन मसौलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश. The word chint is derived from the Hindi word chint, which means a cloth with a colorful flowery designs. Chint. So, ये जो chint word, chint's word है, this was derived from the Hindi word chint, जिसका मतलब होता है that there are colorful flowery designs. Then calico, plain white unbleached cotton fabric. Plain white cotton fabric होता था. That is calico. Then patola. This was produced in Surat, Ahmedabad, and Patan. Patola had a traditional floral and animal prints mostly in blocks. Patola जो होता है, this is your traditional floral and animal print, especially in the blocks.
Then bandana, a bright colored printed scarf for the head and the neck, which is produced in Rajasthan and Gujarat. It involved the method of tying and dyeing. Bandana, हम इसको बांधनी के नाम से भी जानते हैं. This print is known as bandhani also. So this word has been derived from the Hindi word bandhana, which means to tie. Then jamdani, a fine quality of muslin in which decorative designs are woven, mainly in grey and white colors. Jamdani क्या है? एक muslin का fine quality cloth है जिसमें we have decorative designs which are woven, especially in grey and white colors. It was produced mainly in Dhaka and Lucknow. ये ज़्यादातर Dhaka और Lucknow में produce होता है. A mixture of gold and cotton threads was usually used in weaving. गोल्ड और कॉटन थ्रेड्स का जो मिक्सचर है उसको यूज करते हैं इसकी वीविंग के लिए. देन वी हैव डंगरीज, इट वाज अ कोर्स वैरायटी ऑफ इंडियन कैलिसो. देन गिंगम, अ कॉटन फैब्रिक वूवन इन द स्ट्राइप्स ऑफ द चेक्स. गिंगम इज जिसमें हम चेक्स में आपके कॉटन फैब्रिक को वूवन कॉटन फैब्रिक होता है या तो स्ट्राइप्स में या चेक्स में. Then seersucker, this is a very thin, very light and thin fabric with stripe patterns. This is your very thin and light fabric. बहुत ही पतला और बहुत ही light fabric होता है, in which we have a striped patterns. Then community of weavers, the people who are skilled in the art of weaving were called weavers. जिन लोगों को आर्ट ऑफ वीविंग आता होता है, मीन्स हु आर स्किल्ड इन दिस आर्ट ऑफ वीविंग, उनको हम वीवर्स बोलते हैं. द प्रोफेशनल वॉज यूजुअली हेरिडेटरी एंड वीविंग स्किल्स वर टॉट बाय वन जनरेशन टू नेक्स्ट. जो प्रोफेशन है वो यूजुअली हेरिडेटरी होता था, मीन्स वीवर का बेटा वीवर, एंड दो जो उनके वीविंग स्किल्स थे वो जनरेशन टू जनरेशन सिखाए जाते थे, मतलब हर जनरेशन में वो अपने वीविंग स्किल्स सिखाते थे. सो द इनिशियल स्टेज ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग. It was done mostly by the women with the help of charka and takli. So पहला जो स्टेज है क्लॉथ प्रोडक्शन का वो स्पिनिंग होता है, जो यूजली वुमेन करती है विद द हेल्प ऑफ चरखा एंड टकली. आफ्टर द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा, इट वॉज रोल्ड ऑन द टकली. चरखा पर स्पन करने के बाद उसको हम टकली पर रोल करते हैं. द रोल थ्रेड वॉज देन वुमन इन टू द क्लोथ by the weaver. और फिर जो हमारा वो rolled thread होता है, that is used for by the weaver. Weaving was done mostly by the men. और weaving usually men करते हैं. So to meet the demands of the colored cloth, the thread was dyed by a dyer or the rangrez. और अगर किसी thread को dye करना है तो उसके लिए हमें dyer चाहिए होता है या rangrez चाहिए होता है. The chippigars were the people who specialized in block printing. Then we have chippigars, जो कि block printing में specialized होते हैं. The goods ready for being sold were first collected in the warehouse known as the aurang. और जो goods finally बन जाते हैं आपके, जिनको आप आगे बेच सकते हो, वो हम पहले warehouse में collect करते हैं, and that are known as aurang. In the early 19th century, the four main regions of the textile production in India were Bengal, Dhaka, in eastern Bengal, Madras, Pondicherry, and Nagapattinam on the Coromandel coast, and the Patan, Ahmedabad, Surat in Gujarat. So these were the four main regions of the textile production in India in the early 19th century. Early 19th century mein ye char places hai, char regions hai jahan par textile production hota tha. Okay, so next is causes of decline of the Indian handicrafts. Till the first half of the 18th century, there was a steady flow of Indian textile and spices in the British markets. First half tak jo tha 18th century ke, tab tak normal flow chal raha tha of Indian textile and the spices in the British markets. These were often exchanged with the precious gems, jewels and goods. और ये प्रीशियस जेम्स, ज्वेल्स और गुड्स के थ्रू भी एक्सचेंज होते थे. द एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड द जमींदार्स आल्सो सपोर्टेड द आर्टिशियंस एंड गेव देम द शेयर ऑफ विलेज लैंड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज. सो
जो जमींदार थे या जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे उन्होंने भी सपोर्ट करा आर्टिशंस को, और उन्होंने भी उन्हें विलेज का लैंड का शेयर या कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस भी दिया उनकी सर्विस के लिए. विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश ऑन द इंडियन सोइल सिचुएशन चेंज बोथ फॉर द पीजेंट्स एंड द आर्टिशंस. द पीजेंट्स वर फोर्स टू लिव ऑन द मर्सी ऑफ द मनी लैंडर्स बिकॉज ऑफ द ओवरबर्डन ऑफ द टैक्सेस. When unable to pay the revenue, they were deprived of their land. So the peasants now could not only not give the share of their produce to the artisan as they did in the earlier times. So जब Britishers आए Indian soil पे, जब उनका जब वो लोग आए उन्होंने कब्जा करा Indian soil पे, तो situation change हो गई peasants और artisans दोनों के लिए. Why? Because peasants को force किया गया कि वो money landers के साथ उस पे जिए. Because they were overburden of the taxes, उनके ऊपर taxes ज़्यादा impose करे, and जब वो taxes और जब वो revenue नहीं pay कर पाते थे तो उनसे उनकी land भी ले ली जाती थी, और जब उनसे उनकी land ले ली तो इस वजह से वो लोग peasants आगे अपना कोई share अपने product पर कोई भी जो भी चीज़ वो produce करते थे they are not able to share that to the artisan as they did earlier. The artisans, on the other hand, were exploited by the merchants who compelled them to sell their products at the cheaper rates. Thus, the situation was worse for the artisan who neither got their share of crops nor did they get adequate pay for their hard work from the merchants. Aur jo artisans the, unko force kiya gaya that they have to sell jo bhi wo product bana rahe hain usko cheaper price pe bechna. जो ब्रिटिशर्स यहाँ आए उनके थ्रू जितने भी मर्चेंट्स थे मर्चेंट्स ने उन्हें कंपेल करा आर्टिशंस को दैट उनको सस्ते प्राइसेस पर बेचना पड़ेगा. एंड सिचुएशन और ज्यादा तब खराब हुई जब ना तो आर्टिशंस को उनका कोई शेयर मिला क्रॉप्स में शेयर नहीं मिला, और मोर ओवर दे डिडंट गॉट द एडुकेट पे, ना उनको पूरा अमाउंट मिला. तो इससे क्या हुआ, उनकी सिचुएशन खराब होगी. पहले क्या होता था, उनको अमाउंट भी मिल जाता था, बट एटलीस्ट अमाउंट ना भी मिले तो उनको क्रॉप्स में इतना शेयर मिल जाता था दैट उनका लाइवलीहुड भी चल जाता था. बट इस सिचुएशन में पैसे भी इतने कम मिले कि वो खुद नहीं ले सकते और शेयर भी नहीं मिले. द ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एट टाइम्स गेव एडवांस पेमेंट्स ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट टू द आर्टिशंस. दिस वॉज डन टू प्रिवेंट द आर्टिशंस फ्रॉम वर्किंग फॉर सम अदर यूरोपियन कंपनी और द मर्चेंट्स. By accepting the advance payment, the artisan could not look forward for any other profitable orders that could make them more profits. Thus, the status of an artisan was transformed from an independent worker to the wage laborer. So, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या करा, एडवांस पेमेंट देते थे दैट टू वेरी स्मॉल अमाउंट टू द आर्टिशन, सो दैट एडवांस पेमेंट देके ये हो जाता था दैट जो आर्टिशंस होते थे वो और कोई ऑर्डर बुक नहीं कर सकते थे, दैट स्पेशली फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन कंपनीज और एनी अदर मर्चेंट्स. एंड बिकॉज अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कोई पेमेंट तो उससे क्या होता था, अगर उनको कुछ और अच्छा ऑप्शन ऑर्डर भी मिलता है वो नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस पेमेंट ले चुके. एंड एडवांस पेमेंट उन्हें इसलिए लेनी पड़ती थी बिकॉज दे नीड सम मनी, तो वो थोड़े से भी पैसे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे इसलिए वो एडवांस पेमेंट लेके ऑर्डर कन्फर्म कर देते. तो इससे क्या हुआ, जो आर्टिशंस थे वो एक इंडिपेंडेंट वर्कर से एक वेज लेबरर बन गए. एंड आर्टिशन लिविंग इन द विलेज वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. जो आर्टिशन है वो विलेज के बाहर के दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था. ही वॉज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स टू सेल हिज प्रोडक्ट इन द मार्केट आउटसाइड हिज विलेज हु एक्सप्लॉयटेड हिम टू द फुलेस्ट. मोर डिमांड्स फ्रॉम द मर्चेंट्स मेंट मोर कैपिटल फॉर रॉ मटेरियल. दस आर्टिशंस ऑल्सो केम अंडर द ग्रिप ऑफ मनी लेंडर्स. अंडर दीज कंडीशंस दे वर फोर्स टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड मूव टू द सिटीज इन द सर्च ऑफ वर्क. तो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था बिकॉज दे वर टोटली इनटू द विलेज एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स. और वो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स पर डिपेंड थे दैट वही लोग जाके उनके प्रोडक्ट्स को विलेज के बाहर सेल करेंगे. बट वही लोग आके उसको एक्सप्लॉयट कर रहे थे, उसको फोर्स कर रहे थे कि वो सस्ते प्राइस पर बेचे, और जितनी ज्यादा वो डिमांड करता है मर्चेंट उसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से. अब सपोज आई वॉन्ट
मैं जहाँ पहले 10 चीजें मांग रही थी, वहां अगर मैं ऑल ऑफ अ सडन 100 चीजें मांगूंगी, तो जो भी वो चीजें बना रहे उसको कैपिटल, रॉ मटेरियल पे कैपिटल लगानी पड़ेगी. कैपिटल मीन्स दे हैव टू स्पेंड सम मनी कि उनके पास रॉ मटेरियल आए. सो कैपिटल लगाने के लिए भी उन्हें किसी से उधार लेना पड़ता था वैसा. सो जो मनी लेंडर्स थे वो वाला भी जो सर्कल हो गया आर्टिशंस का, वो बढ़ गया, जिसकी वजह से फाइनली उनकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना ट्रेडिशनल क्राफ्ट छोड़कर सिटीज की तरफ जाना पड़ा इन दी सर्च ऑफ वर्क. तो बाय द अर्ली 18th सेंचुरी इंडियन टेक्सटाइल्स, पर्टिकुलरली कॉटन, सिल्क एंड वूल बिकेम वेरी पॉपुलर इन यूरोपियन कंट्रीज. अर्ली 18th सेंचुरी में इंडियन टेक्सटाइल्स जो है, स्पेशली द कॉटन, सिल्क एंड वूल, दे बिकम वेरी पॉपुलर इन यूरोपियन कंट्रीज. द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल अराउज फियर एंड एंजाइटी अमंग द वूल एंड द सिल्क मेकर्स इन इंडिया. इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ने से जो फियर और एंग्जाइटी था इंग्लैंड के सिल्क और वूल मेकर्स में, वो भी बढ़ गया. दे कंपेल्ड देयर गवर्नमेंट टू चेक द इनफ्लो ऑफ इंडियन गुड्स. दस द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1720 फॉर्मुलेटेड द कैलिको एक्ट दैट बैन द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल सिम्स इन द इंग्लैंड. इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल वर थस डिप्राइव्ड ऑफ देयर फॉरेन मार्केट्स. अब इससे क्या हुआ कि जो वहां के वो लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट को कंपेल करा कि वो चेक करें इंडियन गुड्स का क्या इनफ्लो है. सो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, दैट इज कैलिको एक्ट, जिसके थ्रू क्या हुआ, दे हैव बैन द यूज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल दैट इन द इंग्लैंड. इंग्लैंड में कॉटन टेक्सटाइल को बैन कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल देवर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फॉरेन मार्केट्स, उनकी फॉरेन मार्केट्स कम हो गई. एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज टेकिंग प्लेस इन ब्रिटेन. और इसी सेम टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था ब्रिटेन में. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी टेक्सटाइल द ब्रिटिश नाउ टुक द हेल्प ऑफ द मशीन्स. अब अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी टेक्सटाइल बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने मशीन की हेल्प ली. न्यू मशीन्स वर इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्सटाइल. सो द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दिस वॉज सेटिंग अप द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री. और इसका पहला स्टेप क्या था, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करना. फर्दर द स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय द जॉन के इन द 1764. बाय यूजिंग द स्पिनिंग जेनी अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स एट वन टाइम. स्पिनिंग जेनी को बनाने से क्या हुआ, एक अकेला बंदा बहुत सारे स्पिंडल्स को एक ही टाइम पे यूज कर सकता था. दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज रिड्यूस द लेबर एंड सेव टाइम. इससे क्या हुआ, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपकी लेबर कम हो गई एंड आपका टाइम भी बच गया. अ रेवोल्यूशन इन द टेक्सटाइल वीविंग वॉज ब्रॉट अप ब्रॉट बाय द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड ऑर्कराइट. अ बल्क ऑफ कॉटन कुड नाउ बी वूवन इन वन गो. अब कॉटन का जो बल्क था वो एक ही बारी में बनाया जा सकता था. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्दर वर्सन द प्लाइट ऑफ इंडियन वीवर्स. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंडियन वीवर्स की सिचुएशन और खराब हो गई. दे नाउ हैड टू कम्पीट विद द मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स. अब जो इंग्लैंड के मशीन मेड गुड्स हैं उनको उससे कम्पीट करना था, विच आर देयर इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स. फर्दर टू चेक द इनफ्लो ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन टू ब्रिटेन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द टैरिफ रेट्स एंड कस्टम ड्यूटीज. इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन वीवर्स टू एक्सपोर्ट देयर टेक्सटाइल टू ब्रिटेन. फॉरन मार्केट्स थस स्लिप आउट ऑफ इंडियन हैंड्स. अब क्या हुआ कि अब इसके बाद दोबारा चेक हुआ इंडियन टेक्सटाइल का फ्लो ब्रिटेन में, इनफ्लो इन ब्रिटेन. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब क्या करा, उन्होंने अब टेरिफ रेट्स बढ़ा दिए एंड कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया, जिससे इंडियन वीवर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई एंड उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया सब कुछ. एंड दिस बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सपोर्ट देयर टेक्सटाइल टू ब्रिटेन. और इससे उनको इस चीज में भी डिफिकल्ट हुई कि वो अपने एक्सपोर्ट अपनी टेक्सटाइल को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन में.
The foreign market thus slipped out of the Indian hands, और ऐसे इंडियन हैंड से फॉरेन मार्केट भी चली गई. कार्ल मार्क्स, एन एमिनेंट हिस्टोरियन, हैज राइटली रिमार्क्ड, द ब्रिटिश इंट्रूडर्स ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉयड द स्पिनिंग रूम. इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन हैंडलूम को तोड़ा और स्पिनिंग लूम भी डिस्ट्रॉय कर दिया, इनॉग्रेटेड द वेरी मदर कंट्री ऑफ द कॉटन विद द कॉटन्स. और उन्होंने जो मेन सोर्स था, जहाँ की मेन स्पेशलिटी कॉटन थी, वो चीज़ ही स्पॉइल कर दी उन्होंने. द मशीन मेड गुड्स ऑफ द ब्रिटेन बिकेम पॉपुलर इन द मार्केट्स ऑफ अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप. दिस रेंडर्ड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द वीवर्स ऑफ इंडिया जॉबलेस एंड होमलेस. इस सब की वजह से क्या हुआ, इंडिया में बहुत सारे वीवर्स जॉबलेस और होमलेस हो गए, बिकॉज उनका काम चला गया, उनकी सिचुएशन बहुत खराब हो गई. सो द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 एबॉलिश द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया. दिस ओपन द गेट्स ऑफ इंडिया फॉर ऑल मर्चेंट्स ऑफ ब्रिटेन. इससे इंडिया के गेट्स खुल गए सारे मर्चेंट्स के लिए ब्रिटेन के. दीज मर्चेंट्स केम टू इंडिया नॉट टू बाय इंडियन टेक्सटाइल बट टू सेल देयर मशीन मेड गुड्स एंड टू टेक अवे रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इनेक्टेड लॉज टू फैसिलिट फ्री एंट्री ऑफ ब्रिटेन मेड गुड्स इन टू द इंडियन मार्केट्स. अब इस एक्ट से क्या हुआ कि इंडिया की मोनोपोली हट गई. सो उससे क्या हुआ, उससे एंट्री मिल गई ब्रिटेन को, मर्चेंट्स ऑफ ब्रिटेन को. तो वहां से उन और एंट्री इस चीज की नहीं मिल गई, दे केम टू इंडिया, वो इंडिया में आए बट नॉट टू बाय इंडियन टेक्सटाइल खरीदने नहीं, बल्कि अपने मशीन मेड गुड्स को बेचने एंड ऑल्सो टू टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया. द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज इन इंडिया हेल्प्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रिटेन मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल्स टू द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द इंडिया. This gave a tremendous blow to the Indian handicraft industry. So, अब क्या हुआ, जो railways की development हुई, उसने भी उनको help करा कि उनके जो भी textiles थी उनको transport करने में in the remote areas of the India. So, इससे this has given a tremendous blow to the Indian handicrafts. By the middle of 19th century, the Indian handicraft industry was almost ruined. और अगर हम middle 19th century की बात करें, तो तब तक हमारी इंडिया की handicraft industry almost खराब हो चुकी थी. It lost the patronage of local rulers and nawabs who had lost their powers to the British. The new Indian aristocratic class that emerged from the British support was in the favor of British manufacturers. और जो नहीं इंडियन एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो कि ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थी, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से बनी थी, वो इस फेवर में थी दैट बेसिकली दे वर इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स दैट वाज ब्रिटेन मेड क्लोथ फ्लडेड बाय द इंडियन मार्केट्स. सो बाय 1830 की अगर हम बात करें, तब तक जो इंडियन मार्केट थी उसमें ब्रिटेन मेड क्लोथ्स तो ऐसे भर गए थे. Thus, Indian textile and the craft industry that have thrived for centuries and earned universal acclaim was devoid of both national and international market. Because of being jobless and homeless, the artisan either went to cities to work as wage laborers or resorted to loot, dacoity and plunder. Some became agricultural laborers, which further increased the pressure on the land. Some weavers went abroad to find the work in the plantation of Africa and South America. In the late 19th century, cotton mills were established by the patronage of the educated Indian class. These were located at the Solapur, Bombay,
Ahmedabad, Nagpur, and Kanpur, Madurai, and Solapur emerged as a new centers of weaving. So that this is how the Indian textile has decreased in the 18th century. मतलब उनकी मार्केट कैसे कम हुई इन 18th सेंचुरी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू एंड टेक केयर.